मतलब आप कह रहे हो कि जो सीन करते करते असली हो जाते ये हो जाते आई थिंक मी एंड हर्ष शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड और मुझे लगता है कि किसी भी तरह की परफॉर्मेंस करने के लिए विद योर को एक्टर यू जस्ट नीड टू बी वेरी कंफर्टेबल विद देम और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इफ यू आर रोमांसिंग इन रियल लाइफ आई एट लीस्ट फील दैट इट्स नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल जोन आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल जोन इज इफ यू आर बेस्टेस्ट ऑफ बडीज and I think Harsh is one of my closest friends today I can say that and he's one of my friends that I feel he'll stay with me till I'm really old so mujhe aise lagta hai ki that's the best bond that we've shared off screen and because of that we've been able to pull off a great chemistry as our directors say that we've been able to pull off a great chemistry on screen so I think the reason why we are on fire on screen is because we are really really great friends off screen maabra ne to friend bana diya main kahunga thoda bahut pyar share ho bhi jata मैम जैसे कि आपकी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है आप लोगों के लिए ये एक यू नो एक और न्यू कमर फिल्म है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म को किसी ने भी न्यू कमर फिल्म की तरह नहीं बनाया मुझे किसी एक स्टेप पे भी फील नहीं हुआ दैट माई प्रोड्यूसर दीपक मुकुट हैज़ ट्रीटेड इट लाइक अ न्यू कमर फिल्म He's treated it like he's making a big star film and he's given us all the comfort possible in the world. Then he's got us directed by the ace directors Radhika and Vinay which also doesn't seem like it's a newcomer film. So un logon ne bhi us tarah se mehnat ki hai jis tarah wo kisi aur bade star ki film pe mehnat karenge. So mere liye the journey has been absolutely blessed. I've never felt ki is film mein kuch aur किसी चीज़ की कमी छोड़ दी गई है हर किसी ने अपना 200% डिलीवर किया है सो न्यू कॉमर और नॉट ए न्यू कॉमर फर्स्ट बॉलीवुड और नॉट द फर्स्ट बॉलीवुड आई थिंक इट्स बीन ट्रीटेड लाइक अ बिग फिल्म एंड इट शैल राइज लाइक अ बिग फिल्म इसीलिए मैं इधर हंसने के लिए आई हूँ कि कहीं आप लोगों को कमी ना फील हो कि मैं हंसते हुए कैसी लगती हूँ लेकिन जी कैरेक्टर के बहुत सारे लेयर्स हैं और आई एम श्योर अगर आपने ट्रेलर देखा तो आपने चश्मे के अलावा भी काफ़ी सारी साइड्स देखी होंगी कैरेक्टर का नाम सरू है एंड एंड फिल्म में आप देखेंगे कि कैसे शी गोज़ फ्रॉम वन जो आउटलुक है टू द अदर एंड या सर आपको भी हमने काफ़ी शॉर्ट मूवी करते हुए देखा लेफ्ट एंड राइट शॉट शो दैट जी 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 आप नजर आए तो इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिल्म में आपके कैरेक्टर को हमने काफ़ी बॉडी बिल्डअप या टोन अप करते हुए नजर आ रहे हैं जी इस फिल्म में जो मेरा रोल है मैं कहूँगा कि सलमान सर और मेरे डैड का मिक्सचर है सलमान सर की जो वो उनका जो वज़न है उनका जो स्टाइल है स्वैग है कंबाइंड विद माय फादर्स सिंसियरिटी एंड हिज रॉनेस एंड हिज अर्दी कनेक्ट तो उनका जो एक रॉ अपील इन दोनों लोगों का अगर मिक्स करेंगे तो मुझे लगता है इंदर बनता है और मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक्सपर्ट्स जो मैं उनको डायरेक्टर से ज़्यादा कई बार एक्सपर्ट्स बोलता हूँ एक्सपर्ट्स के थ्रू मैं लॉन्च हो रहा हूँ क्योंकि उनको पता है एग्जैक्टली हाउ टू प्रोजेक्ट समवन और किसी एक्टर की कौन सी क्वालिटी को उभारना है तो वो लोग इस चीज़ में अव्वल हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि वो डायरेक्ट करें और हिमेश रेशमिया सर का इसमें म्यूज़िक है जैसा मावरा कहती है 7 ब्लॉकबस्टर इसमें गाने हैं नो डाउट कि गाने दे आर डूइंग सो वेल एंड दे आर कनेक्टिंग सो वेल विद पीपल तो इससे अच्छा लॉन्च तो हो नहीं सकता जॉन एब्राहम के मूवीज़ में भी आप नज़र आने वाले छत्रपुष्पा जी वो फिल्म हालांकि मैंने इससे पहले शूट कर ली थी लेकिन आई बीन वेरी लकी कि जॉन सर के ऑफिस से मुझे कॉल आया और मुझे उन्होंने नोटिस किया साउथ में मैं काम कर रहा था और उनके साथ कौन काम करना नहीं चाहता उनकी पहली दो फिल्म एज ए प्रोड्यूसर एक तो वो बहुत इंस्पायरिंग मेरे लिए इसलिए क्योंकि वो सेल्फ मेड है कहीं से नहीं आए वो और उन्होंने इतना अपना एक ऑलमोस्ट एन एम्पायर उन्होंने खड़ा कर लिया उसके ऊपर से मैं कहूँगा उन्होंने दो फिल्में प्रोड्यूस करी दोनों को नेशनल अवार्ड मिला तो एज एन एक्टर आपके लिए बहुत सेफ होता है और बहुत एक अच्छा स्पेस है ये कि आप किसी ऐसे के साथ काम करें जिनकी सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स बहुत अच्छी है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट